बहुत मैंने पहले इसका अनबॉक्सिंग सेटअप इनाल्सा वाला स्टीमर का वीडियो बनाए थे, है ना, सब कुछ दिखाए थे। और अब हो गया है काफ़ी टाइम, है ना, तो टाइम आ गया है एक तरह से फाइनल कहने का कि नॉर्मल आयरन या ये। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है, एक्चुअली सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन कि अगर किसी को पता है कि कपड़ा कैसा होता है जो काफ़ी टाइम से आयरन कर रहा है, यानी घर की महिलाएं ज़्यादातर जो होती हैं, है ना, जिनको एक्सपीरियंस है कि भाई ये आयरन कैसे यूज़ करना है, इसका हीट कैसे मेंटेन करना है, इससे कैसे करना है, तो ये हमेशा बेटर है ना। थोड़ा सा रिस्की है, कपड़ा वगैरह जल सकता है अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है इस टाइप का आयरन, लेकिन इससे तुरंत आयरन हो जाता है ना, इतना टाइम नहीं लगता जितना इसमें। और इसमें सेटअप भी बहुत लगता है, पानी ला के भर के रखो, पर्टिकुलर जगह इसको खड़ा करके रखो, स्टैंड वगैरह पे कपड़ा लगा के रखो, पकड़ के आयरन करो, है ना, तो वो चीज़ है इसमें, वो इसमें करना पड़ता है। इसके लिए क्या है, सीधा छाउन पे कपड़ा रखो और कर दो। और दूसरा एक चीज़ जो हम लोग का एक थोड़ा हैबिट है कि अगर थोड़ा गीला कपड़ा भी होता है ना घर में, बचपन हमको ये लगता था कि आयरन इसीलिए करते हैं कि कपड़ा गर्म हो जाए मतलब तो गीला अगर हल्का कपड़ा भी रहता है तो लोग उसको आयरन कर देते हैं तो तुरंत यूजेबल हो जाता है कि नहीं। वो चीज़ इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद स्टीम है, तो ये और स्टीम ऊपर से देता है, गीला कपड़ा और गीला हो जाता है। तो अगर किसी को एक्सपीरियंस है ना, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है या फिर हैबिचुअल हो गया है ना कि इसका डायल वगैरह मेंटेन करने में कि भाई ये कपड़ा है तो ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडा तो नहीं, है ना, वो सब अगर एक्सपीरियंस है तो इसी को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एकदम बेकार है ना, क्या ये स्टीम आयरन एकदम बेकार है, ठीक है ना। हमको थोड़ा काम वगैरह पड़ गया था तो हम उतना आयरन कर नहीं पाए, मम्मी ही कर रही थी और मम्मी जो यूज़ कर रही थी उसी का हैबिट था, है ना, इसको यूज़ करवा पाना थोड़ा सा पेचीदा पड़ जाता जबकि उससे बहुत सिंपल हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता। इसका भी जगह है पता है कहाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए जिन लोगों का जो लोग घर का काम वगैरह ज़्यादा नहीं करते, बेसिकली घर के मर्द, है ना, और अगर वो लोग आयरन करना चाहते हैं और वो अगर गलती से ये वाला आयरन यूज़ कर दिए, है ना, वो अगर यूज़ कर लिए ऐसा गलती से आयरन, दिख रहा नया आयरन है ऑलरेडी कपड़ा जला चुका है, ये दिक्कत है, इसमें कपड़ा नहीं जला पाओगे ज़्यादा गर्म हवा भी नहीं होता, हाथ भी रख सकते हो, जल जाएगा, करना नहीं बता रहे हैं, करना नहीं, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। इसमें दो तीन बार मेरा हाथ सटा है सामने, कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़ोर से ये हो गया, जल्दी से हटा लिए। उसमें अगर सट गया हाथ, इसमें अगर हट गया सट तो हो गया, मतलब कुल मिलाकर ये कि अगर नया हो, है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं आयरन वगैरह, क्या कपड़ा क्या लिनन होता है, क्या सिंथेटिक होता है, किसमें कम हीट चाहिए, किसमें ज़्यादा हीट चाहिए, आँख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हो, लगा दो, यूज़ करते रहो, कोई टेंशन नहीं, है ना। लव मैरिज वगैरह में आती है जो लड़कियाँ घर में, उनके लिए बेस्ट है, अरेंज मैरिज में मत देना ये वेडिंग गिफ्ट लव मैरिज में दे सकते हो ठीक है, चलो ये बात बता रहे थे। तो मतलब अगर हमको यूज़ करना है, अगर हमको आयरन करना है, देख रहे हैं बहुत मम्मी को लोड है ना, टाइम फ्री, अभी एक घंटा दो घंटा हमको फ्री था तो बोले दो सारा कपड़ा करते हैं बैठ कर, है ना, तो हम ये बिंदास यूज़ कर सकते हैं बिना इस डर के कि भाई कपड़ा जल जाएगा, बस हो गया, यही सब बात बता रहे थे। है इसका यूज़ है, अपनी जगह है यूज़। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टीम आयरन के बारे में खाली यही कहेंगे कि ये जो लोहा दे रखा है ना, यही चीज़ थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड कर देते तो ये बार बार मुड़ता नहीं, ये मुड़ने की वजह से, ये चीज़ हम पहले वीडियो में पॉइंट आउट किया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से मैनुअली खुद से डाल देंगे थोड़ा सा लोहा तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, यही बात सब बात था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी देख रहे हो कितना अच्छा सा स्टीम दे रहा है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब भी थोड़ा सा वोल्टेज वगैरह रूम में कम होता है ना, अभी वोल्टेज सही है, वोल्टेज वगैरह कम होता है ना, वोल्टेज उतना अच्छा नहीं है, तब ये उतना अच्छा सा स्टीम आउटपुट नहीं दे पाता। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह रहता है एरिया में, उसी आयरन में स्टिक करो, भले थोड़ा टाइम लगे सीखने में कि भाई कितना टेम्परेचर पे कैसे आयरन करें, नीचे क्या रखें, है ना, बस ये बात।